नमस्कार साथियों, मैं संजय शर्मा पॉलिटेक्निक बाड़मेर से ई लेक्चर की श्रृंखला में आपका एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम आजकल मॉडर्न वेल्डिंग मेथड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जिस मॉडर्न वेल्डिंग मेथड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसका नाम है साथियों इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग। तो हम लोग इसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको बता देता हूं। एक तो हम इसके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, इसकी वर्किंग कैसे होती है और इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होती हैं और इसकी क्या क्या लाभ और हानियाँ होती हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जो इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग है, ये एक नॉन ट्रेडिशनल वेल्डिंग प्रोसेस है जो कि एक मोल्टन मेटल यानी पिघले हुए धातु का पूल क्रिएट करता है, बनाता है। इस ये जो मेथड है, ये आर्क वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग दोनों को मिला के इनका कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो हीट जनरेट होती है वो एक आर्क स्टेब्लिश करते हैं हम इलेक्ट्रोड और बेस मेटल के बीच में, क्योंकि आर्क वेल्डिंग में जैसा होता है। और ये जो हीट होती है, इससे क्या होता है कि फ्लक्स है वो हमारा पिघल जाता है और एक मोल्टन मेटल का पूल यानी पिघली धातु का पूल बनाता है इलेक्ट्रोड और बेस मेटल के बीच में। अब इसके बाद है जो करंट होता है वो मोल्टन मेटल पूल से फ्लो होता है और उसके कारण हीट यानी ऊष्मा जनरेट होती है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के कारण, जो कि हम लोग रेजिस्टेंस वेल्डिंग में देख चुके हैं। इस कारण से ये आर्क वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग का कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग जो होती है साथियों, वो एक अपहिल यानी वर्टिकल वेल्डिंग प्रोसेस है। अपहिल वेल्डिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि वेल्ड जॉइंट वर्टिकल डायरेक्शन में बनाए जाते हैं और जो प्लेट्स होती हैं जिनको हमें वेल्ड करना होता है वो उनको हम वर्टिकल रखते हैं। तो ये जो है, ये जो वेल्डिंग है, ये सिंगल पास और मल्टीपल पास दोनों में होती है। अब ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो है हीट जनरेशन आर्क के कारण और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग कारण है, उसके कॉमन प्रिंसिपल पर काम करता है। स्टार्टिंग में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आर्क जो होती है वो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड और बेस मेटल के बीच में प्रोड्यूस होती है, जिससे कि फिलर मेटल है वो पिघल जाता है। अब ये जो फिलर मेटल होता है, ये जो कैविटी होती है वो दो वेल्डिंग प्लेट्स के बीच में उसको फिलअप करता है। अब इसके 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 थ्रू हम लोग क्या करते हैं, करंट पास करते हैं और हीट जनरेट होती है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के कारण। और ये जो हीट होती है ये और भी फिलर मेटल को और भी पिघला देती है, जो कि अच्छा फिलर मेटल हमें कहाँ से मिलता है, रोलर के माध्यम से मिलता है, जो कि रोलर लगातार घूमता रहता है और फिलर वायर जो है वो हमें फीड होता रहता है उसमें। दिस वायर इज फेड थ्रू अ ट्यूब और ये जो ट्यूब होती है वो इसके फ्लो को डायरेक्ट करती है यानी उसको कंट्रोल करती है। उसके बाद ये फिलर वायर जो है वो मेल्ट हो जाता है और वेल्ड के बीच में जो जगह होती है उसको फिल करके एक स्ट्रांग ज्वाइंट के बनाता है। अब ये कैसे कार्य करता है साथियों, इसके बारे में जरा बताएंगे आपको। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग है, ये एक वर्टिकल वेल्डिंग प्रोसेस होता है। तो हम लोग इसकी जो प्लेट्स होती हैं जोड़ने के लिए, हम उसको कुछ दूरी पे वर्टिकली प्लेस करते हैं, हेल्ड करते हैं या पकड़ते हैं। जो वेल्ड मेटल या फिलर मेटल है वो जो कैविटीज होती हैं उनके बीच में डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है, जिस क्योंकि मेल्टिंग हो जाता है इलेक्ट्रोड का, तो उससे वो बीच में उन दोनों प्लेट्स के बीच में जमा हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें जो हीट डेवलप होती है जिस करंट के कारण, अब ये जो फिलर मेटल होता है ये और पिघल जाता है। उसके बाद ये पिघलने के बाद सॉलिडिफाई होता है और वेल्ड कैविटी को भर देता है और एक स्ट्रांग ज्वाइंट हमें प्लेट्स के बीच में मिल जाता है। अब सबसे पहले क्या होता है कि करंट जो होता है वो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड और बेस प्लेट के बीच में हम लोग फ्लो करते हैं। इससे क्या होता है कि आर्क डेवलप होती है इलेक्ट्रोड और बेस प्लेट, जिससे कि फ्लक्स और या फिलर वायर जो होता है अपना वो पिघल जाता है। अब ये हीट क्या होता है, इससे पिघला के वेल्ड कैविटी में जो हमारा जो मोल्टन मेटल होता है ये चला जाता है। उसके बाद जो कॉपर शू होता है ठंडा, वो पिक्चर में आता है, एक्शन में आता है और इसके बाद उसको सॉलिडिफाई करने लग जाता है इस फिलर मेटल को वेल्ड कैविटी के अंदर। इससे क्या होगा, किसी भी तरह का जो मोल्टन मेटल है वो उसका फ्लोइंग आउट यानी प्रवाह बाहर की तरफ नहीं जाएगा। जैसे जैसे फिलर मेटल सॉलिडिफाई होता है वेल्ड के अंदर, वेल्ड कैविटी के अंदर, उसके थ्रू हम लोग फिर उसमें एक करंट फ्लो करते हैं। इससे क्या होता है, हीट डेवलप होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के कारण, आई स्क्वायर आर टी कारण, और ये हीट से
जो लगातार हमें जो फिलर मेटल आ रहा होता है वो भी पिघलता रहता है और हमारी जो वेल्ड कैविटी आगे से आगे बढ़ती रहती है और हमारा जो वेल्ड है जॉइंट बनता रहता है। ये जो हमें मैंने बताया कि फिलर मेटल है या जो वायर है, ये हमें एक रोलर के माध्यम से अरेंजमेंट होता है उसके माध्यम से लगातार मिलता रहता है और वो लगातार पिघलता रहता है। वेल्डिंग के दौरान दोनों जो कॉपर शू और फीड मैकेनिज्म होता है ये अपवर्ड यानी ऊपर की दिशा में चलते रहते हैं जब तक कि पूरी जो कैविटी है वो भर नहीं जाती। इससे क्या होता है, एक बहुत बड़ा स्ट्रांग जॉइंट हमारे को एक ही पास में सिंगल पास में एक बार में मिल जाता है। वैसे हम लोग थिकनेस पे डिपेंड करता है कि हम मल्टीपास करें या सिंगल पास करें। अब ये इसके अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं, एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं साथियों। ये हैवी जो इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पर प्लेट की थिकनेस 80 mm तक भी होती है वहाँ पर हम लोग इसको स्पेशली काम लेते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है ये बड़ी बड़ी कास्टिंग्स और फोर्जिंग्स को हमें जोड़ने के काम आता है जिससे कि हम बहुत बड़े और कंपोजिट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। इसके अलावा ये काम आता है जो थिक वॉल्ड लार्ज डायमीटर बड़े बड़े डायमीटर के मोटी दीवारों के जो पाइप्स होते हैं या प्रेशर वेसल्स होते हैं या स्टोरेज टैंक्स होते हैं या शिप्स होते हैं इनको वेल्ड करने में काम आता है। तो एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, क्योंकि इसकी कूलिंग रेट जो है बहुत लो होती है तो कोल्ड क्रैकिंग की कोई समस्या नहीं होती। इसके अलावा इसमें स्लैग इंक्लूजन जो कि वेल्डिंग का एक डिफेक्ट होता है, पोरोसिटी जो है जिसमें खाली खाली छिद्र रह जाते हैं वो इसमें नहीं होती है। और प्रोसेस जो है ये सेमी ऑटोमेटिक है और फास्टर होता है, तेज होता है, गति इसकी तेज रहती है। हैवियर सेक्शन हम इसको आसानी से सिंगल पास में ही हम लोग इसको वेल्ड कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी जो होती है बहुत अच्छी मिल जाती है हमें और जॉइंट प्रिपरेशन के लिए हमें कम कीमत लगानी पड़ती है। तो ये तो हुए इसके एडवांटेजेस। कुछ डिसएडवांटेजेस के भी बात करते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, हीट इनपुट बहुत ज़्यादा होता है बेस पे तो उसका भी कई नुकसान होता है। क्योंकि हाई टेम्परेचर हो जाता है वेल्डिंग का तो हमें कूलिंग अरेंजमेंट्स भी करने पड़ते हैं और स्लो रेट ऑफ कूलिंग के कारण कॉलमनर ग्रेन जो कि एक डिफेक्ट होता है वेल्डिंग में वो भी इसमें डेवलप हो जाता है। तो साथियों ये तो बात रही इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग की, जिसके बारे में हमने प्रिंसिपल, इसका वर्किंग, इसका एप्लीकेशन, एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में आपको बताया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। थैंक यू।